नोटबंदी के बाद मोदी सरकार ने 2000 और 200 रुपए के नए नोट जारी किए थे। अब तक इन नोटों को बदलने का प्रावधान नहीं था, मगर अब आरबीआई ने नोट रिफंड नियम 2009 में संशोधन किया है, जिसके तहत अब लोग 2000 और 200 रुपए के नोट बदल सकेंगे। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो क्या है वो प्रावधान, कैसे बदल सकते हैं आप अपने नोट, देखिए इस रिपोर्ट में। नोटबंदी के बाद जारी हुए 2000 और 200 के नोटों को बदलने के लिए अब लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर ये नोट थोड़े फट गए हैं तो भी आप इसे बदल सकते हैं। जी हाँ, आरबीआई ने नोट रिफंड नियम 2009 में संशोधन किया है, जिसके बाद लोग इन नोटों को आरबीआई की किसी भी शाखा से बदलवा सकते हैं। आरबीआई ने कहा कि इन नोटों को उनकी कीमत से आधे दाम पर बदला जा सकेगा या फिर उस नोट की हालत के हिसाब से कीमत तय की जाएगी। आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक 2000 के नोट की पूरी कीमत के लिए ग्राहक को नोट के वास्तविक आकार का कम से कम 88% हिस्सा देना होगा। 44% हिस्सा लौटाने पर नोट की आधी कीमत मिलेगी। वहीं 200 के नोट की पूरी कीमत के लिए ग्राहक के पास नोट के वास्तविक आकार का कम से कम 78% और आधी कीमत के लिए 39% हिस्सा होना चाहिए। इसी सीरीज के 100 रुपए के नोट के 75% हिस्से पर पूरी कीमत मिलेगी, वहीं आधी कीमत के लिए 38% हिस्से की जरूरत पड़ेगी। 50 रुपए के नोट का 72% हिस्सा लाने पर ही ग्राहक को पूरी और 36% पर आधी कीमत मिलेगी। दरअसल आरबीआई ने यह बदलाव इसलिए किया है क्योंकि आरबीआई के नियमों में अभी तक 2000 और 200 रुपए के कटे फटे नोटों को बदलने का प्रावधान नहीं था। इस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब इस फैसले से जनता को बड़ी राहत मिलेगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट। इस हफ्ते आईने में देखेंगे कि क्या अपने ही चक्रव्यूह में फंसती जा रही है भाजपा। SC ST एक्ट पर कोहराम, बेरोजगारी की मार, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और महंगी होती जीवन की गाड़ी, और आखिर में धारा 377 पर उलझी मोदी सरकार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।